प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश बुलेटिन की। मैनपुरी में निजी कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार को घेरते हुए कहा कि किसानों के गेहूं की खरीद नहीं हो रही है और प्रदेश का किसान बाजार में गेहूं बेचने को मजबूर है। आगे चाचा शिवपाल और आजम खान की मुलाकात पर जुबानी वार करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि आज जो आजम के मुकदमे को लेकर सवाल पूछ रहे हैं तो तब कहां थे जब भाजपा सरकार उन पर मुकदमे लगा रही थी। बीजेपी लेना चाहती है हमारे चाचा को, तो अच्छी बात है, ले लें जल्दी। अरे चाचा को अगर बीजेपी लेना चाहती है तो देर क्यों कर रहे हैं? आप खुद सोचिए ना कि बीजेपी के लोग आखिरकार देर क्यों कर रहे हैं। अजय जी, आजमगढ़ और रामपुर से किसे प्रत्याशी बनाए हैं? लेट क्यों कर रहे हैं अजय जी? नाराजगी का कारण क्या चाचा से आपकी नाराजगी? मुझे नहीं नाराजगी पता, ये बीजेपी बता सकती है। खबर गाजियाबाद से है, जहां डासना देहात के उस्मान घड़ी इलाके में 35 से 40 साल पुराने बने अवैध अतिक्रमण पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। सरकार ने अतिक्रमण से पहले नोटिस भी जारी किया था, जिसके बावजूद मकान खाली नहीं करने पर प्रशासन ने अवैध मकानों पर कार्रवाई करते हुए उन्हें ध्वस्त कर दिया। वहीं इस कार्रवाई के दौरान मौके पर SDM सदर विनय कुमार, तहसीलदार समेत भारी पुलिस बल मौजूद रहा। देख रहे हैं प्राइम टीवी में, आपके साथ प्रवीण मिश्रा। आपको बता दें, बाबा बुलडोजर, जी हां, आपने बाबा बुलडोजर का नाम काफी सुर्खियों में सुना है और लगातार आप बाबा बुलडोजर का कारनामा भी देख रहे हैं। यही हम इसी क्रम में हम इस समय आपको बता दें, हम इस समय गाजियाबाद के डासना में पहुंच चुके हैं, जहां पर बाबा का बुलडोजर, ये देख सकते हैं तस्वीरों में, ये वो बाबा का बुलडोजर है जो अपनी कार्रवाई करने वाला है। थोड़ी देर में इस मकान को, ये मकान है मेरे सामने, आप देख सकते हैं तस्वीरों में, इस मकान को ध्वस्त किया जाएगा क्योंकि ये अवैध रूप से बना हुआ था यहाँ पर, जो कि बाबा का बुलडोजर है। देख लीजिए, पूरा प्रशासन है यहाँ पर, शासन है, सभी लोग यहाँ पर मुस्तैद हैं। लगातार बाबा बुलडोजर की कार्रवाई लगातार पूरे उत्तर प्रदेश समेत दिल्ली में भी की जा रही है। आप देख सकते हैं, ये वो मकान है जो अनलीगल तरीके से बना हुआ था। कहीं ना कहीं शासन ने इसको नोटिस दिया, नोटिस देने के बावजूद भी इन लोगों ने अभी तक मकान को खाली नहीं किया था। लेकिन आप देख सकते हैं किस तरह से लोग, बुलडोजर आने के बाद उसका डर देखिए लोगों किस तरह से अब सता रहा है कि अपने मकान, आप यहाँ से सामान जो है वो निकालने की कोशिश में लगे पड़े हैं, जद्दोजहद में लगे पड़े हैं। आप ये तस्वीरों में देख सकते हैं, ये है बाबा का बुलडोजर, ये काफ़ी प्रचलित चल रहा है, इस समय काफ़ी सुर्खियों में है बाबा का बुलडोजर। ये वो मकान है जिसको नोटिस भी दिया गया है यहाँ पर, लेकिन लगातार नोटिस के बावजूद भी यहाँ के लोग थे जिनका सामान था, उन्होंने खाली नहीं किया था सामान। लेकिन अब शासन प्रशासन की मौजूदगी में यहाँ पर पूरा सामान खाली कराया जा रहा है, साथ में थोड़ी देर ही बाद इस पर बुलडोजर भी चलने वाला है। गाजियाबाद से प्रवीण मिश्रा, प्राइम टीवी। लगातार जिला प्रशासन भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। इसी कड़ी में जनपद की एंटी करप्शन की टीम और कैंट थाने के पुलिस ने सहायक लेखा अधिकारी को चाय की दुकान पर 10,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। अब आरोपी को कैंट थाने के सुपुर्द कर भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है और उसे जल्द ही न्यायालय में पेश किया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरह से भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश बनाना चाहती है, ऐसे में योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा के अनुरूप सभी जिलों में विभागीय कार्रवाई की जा रही है। भ्रष्टाचार पे रोक लगाने के लिए, लगाम लगाने के लिए एंटी करप्शन को काफ़ी मजबूती से और तेज़ी के साथ निर्देश दिया गया हुआ और इस पर एंटी करप्शन कार्य भी कर रही है। ऐसे में गोरखपुर कैंट थाने पर हम खड़े हैं, जहाँ पर एंटी करप्शन की टीम ने जिला अधिकारी अभिलेखा विभाग से एक बाबू को गिरफ्तार किया है, 10,000 की रिश्वत का आरोप है। बात करते हैं, हमारे साथ अधिकारी हैं भ्रष्टाचार के, आप एक चीज़ बताइए, एंटी करप्शन से आप हैं और क्या नाम पड़ेगा सर आपका? इंस्पेक्टर शिव मनोहर यादव। इंस्पेक्टर साहब, आपने गिरफ्तारी की है, किन मुद्दों पर गिरफ्तारी हुई, क्या भ्रष्टाचार था, क्या इसके पास से बरामदगी हुई है? सहायक अभिलेख कार्यालय के कर्मचारी रविंद्र कुमार चौधरी द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिया गया कि उसकी पत्नी के इलाज की प्रतिपूर्ति के भुगतान के लिए उसी ऑफिस के बड़े बाबू सुशील कुमार द्वारा 10,000 रुपये रिश्वत की मांग की जा रही है, जिसको संज्ञान में लेते हुए अन्य विधि का आवश्यक कार्रवाई करते हुए ट्रैप टीम गठित करके आज दिनांक 27/4/22 को दोपहर करीब 12:35 के आसपास
कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर चाय की दुकान पर 10,000 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्रवाई थाना कैंट में कराई जा रही है। इसके आगे इनको न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा और आगे की दंडनीय कार्रवाई जितनी भी है वो न्यायालय करेगी। बहरहाल उत्तर प्रदेश शासन पे पूरी तरह से भ्रष्टाचार मुक्त करने में लगी हुई है, एंटी करप्शन पूरी तरह से लगा हुआ है। प्राइम टीवी के लिए गोरखपुर से हिमांशु श्रीवास्तव। और इस खबर में हमारे ज्यादा बातचीत के लिए गोरखपुर से संवाददाता हिमांशु जुड़ चुके हैं। हिमांशु, पूरा मामला क्या बताया जा रहा है, आगे क्या कार्रवाई होगी? बिल्कुल, बता दें कि ये कलेक्ट्रेट ऑफिस में था और अभिलेखा विभाग में सहायक अभिलेखा अधिकारी के रूप में कार्यरत था और उसने जो है अपने ही चतुर्थी के कर्मचारी से जो उसकी चिकित्सा व्यवस्था की उसकी पत्नी के लिए उसको जो है पैसे चाहिए थे और जो सहयोग राशि प्राप्त होती है विभाग द्वारा उसके लिए 10,000 की रिश्वत की मांग कर रहा था, जिसकी शिकायत करने से एंटी कर इसे जो है जांच कर और चाय की दुकान में रंगे हाथ रिश्वत लेते हुए पकड़ लिया है और उनके पास कैंट थाने में ले जाकर के इसके खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज कर जेल भेजने की क्रिया की है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम जानकारी के लिए इस खबर में हमारे साथ संवाददाता हिमांशु जुड़े थे गोरखपुर से। खबर मथुरा से है, जहां थाना क्षेत्र में ओवरलोड वाहनों पर एआरटीओ और पुलिस अंकुश लगाने में असमर्थ नजर आ रही है। अधिक भार का वाहन आए दिन घटना को अंजाम दे रहा है। ओवरलोडिंग से पूर्व में ही कई हादसे हो चुके हैं, इन हादसों में दर्जनों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। बावजूद इसके पुलिस इन ओवरलोड का परिवहन रोकने पर कहीं ना कहीं नाकाम नजर आ रही है। पुलिस इन परिवहन करने वाले वाहनों पर शिकंजा नहीं कस पा रही है, तो वहीं एक बार फिर से ओवरलोड ईंटों से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली ने आइसर कैंटर में टक्कर मार दी और जिससे आइसर कैंटर चालक घायल हो गया है। घायल को उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है और पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। से ईटो का टक्कर जा रहा था और पल्ली साइड से गाड़ी आ रही, गाड़ी स्पीड में कम से कम 100-120 जी और ट्रैक्टर स्पीड में हो तो दोनों के आमने सामने टक्कर भाई। कितने व्यक्ति घायल है इसमें? में दो व्यक्ति, उनको कहाँ पहुंचाया गया है? एक हैदरा हॉस्पिटल में जी फिलहाल और एक कंडक्टर में। रायबरेली में बिजली विभाग के अफसरों और संविदा कर्मियों की मिली भगत से अवैध वसूली का खेल जारी है। शिवगढ़ इलाके में बिजली विभाग के 2 संविदा कर्मियों का ऑडियो वायरल होने के बाद प्रशासन की तरफ से इस मामले में अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। उपभोक्ताओं की शिकायत करने पर संविदा कर्मियों द्वारा विजिलेंस टीम के छापा मारने की धमकी भी दी जा रही है। तो हम बना देना नहीं, हम आज बनाई थी कहाँ सुबेरन बनाई थी, लेकिन अब काल कम के अंधेरे में रहे राजो हो जी ही। अरे लेकिन सुनो, जो ज्यादा डायलॉग बोल लेंगे घरे विजिलेंस से भेजे वाली है, विजिलेंस जाबे करी हम तो ज्यादा होती है ना, ज्यादा कम्प्लेन के पीछे पर है हम, विलन के ऊपर पीछे पर जाबे और हिमा फटाफट सबका हम नियम अनुसार कार्यवाही करवा रहे, तो नियम अनुसार कर फिर हम कर नियम अनुसार जहाँ शुरू कर देना कहाँ बहुरा जी है फिर तो बिजली विभाग में अवैध वसूली का खेल चल रहा है। ऑडियो आपने सुनी, ये लगातार वायरल भी हो रही है। कार्रवाई ना होने से उपभोक्ता परेशान नजर आ रहे हैं, तो ये अभी आपने ऑडियो सुनी, संविदा कर्मियों की लोग भी परेशान नजर आ रहे हैं और इनकी अब ऑडियो भी वायरल हो रही है। शिवगढ़ इलाके में बिजली विभाग के 2 संविदा कर्मियों का ये ऑडियो वायरल होने के बावजूद भी प्रशासन की तरफ से कोई इस मामले में अभी तक कार्रवाई नहीं की गई है। उपभोक्ताओं के शिकायत करने पर संविदा कर्मियों द्वारा विजिलेंस टीम के छापा मारने की धमकी भी दी जा रही है। और इस खबर पे हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए रायबरेली से संवाददाता अजय जुड़ चुके हैं। अजय, जिस तरह से ऑडियो वायरल हो रहा है, उपभोक्ता परेशान है, क्या कार्रवाई इस पे होगी या फिर इसकी सुध नहीं ली जाएगी?
अभी तक तो नहीं लिया गया है क्योंकि आपको बता दूं कि 24 घंटे बीत चुके हैं, 24 घंटे से ज्यादा हो चुका है और अभी तक एक्शन मोड में कोई नहीं आया है। और जिस तरीके से वीडियो ऑडियो वायरल हो रहा है उसके बाद देखा जाए तो कहीं ना कहीं धमकी दी जा रही है विजिलेंस की भी उनको भेज दिया जाएगा और देखी जाए तो कहीं ना कहीं बहुत चोरी और चोरी करके बिजली चल रही है, उस पर किसी की नजर नहीं होती है। ये जो संविदा कर्मी है दोनों आपस में बात कर रहे हैं, ये क्या करते हैं एक दूसरे से मिली भगत मतलब करके और लगातार बिजली में घपला करवाते हैं और कहीं ना कहीं इनकी बहुत बड़ी मिली भगत कही जाएगी। जी तो इस पे अभी तक कोई मामला संज्ञान में नहीं लिया गया है, इस पे कोई कार्रवाई नहीं की गई, हम ये जानना चाहेंगे अजय कि उपभोक्ताओं को किन किन समस्याओं से जूझना पड़ रहा है रायबरेली में। उपभोक्ताओं को जैसे कि बिजली का बिल हो गया, ये लोग जाते हैं चेक करते हैं, जैसे अभी कोई भी उपभोक्ता है एक महीने पहले 10,000 का बिल जमा करता है, अचानक सब बिल फिर से 10,000 का आ जाता है, उसके बाद जब वो लाइनमैन पहुंचता है वहां पर जो बिजली विभाग का होता है तो वो बोल देते हैं सीधे आप वहां पर पावर हाउस आइए वहां पर बैठ कर बात कीजिए उसका ये सुलट जाएगा। तो कहीं ना कहीं इसकी शिकायत कई बार भी की जा चुकी है लेकिन इसमें भी कोई सुधार नहीं हो रहा है। और बात की जाए इन उपभोक्ताओं की तो कहीं ना कहीं बिजली को लेकर जो कल ऑडियो वायरल हो रहा है उसको लेकर जिन जिन लोगों ने वो किया है और कहीं ना कहीं विजिलेंस टीम वहां पर जांच करने की जरूरत जाएगी। जो बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता अजय जुड़े थे। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश पर दंगाइयों माफियाओं भ्रष्टाचारों के खिलाफ पहले ही योगी का बुलडोजर गरज रहा है। पूरे देश में कई जगह सरकारें इस मॉडल को भी अपनाती हुई दिख रही हैं। अब इसी क्रम में योगी का नया लाउड स्पीकर मॉडल सुर्खियों में बना हुआ है। स्थिति यह है कि योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद पूरे उत्तर प्रदेश में मंदिरों से लेकर मस्जिदों तक लाउड स्पीकर को लेकर ताबड़तोड़ एक्शन चल रहा है। पूरे प्रदेश में यूपी सरकार अभियान चलाकर अवैध लाउड स्पीकर को उतरवा रही है और जो वैध है वहां आवास को नियंत्रित करवा रही है। जनपद में जितने भी धार्मिक स्थल हैं या अन्य जो प्रतिष्ठान हैं उनको माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश से अवगत कराते हुए इन सभी के द्वारा इनके सहयोग से इन निर्देशों का अनुपालन कराया जा रहा है, जिसके क्रम में जहां कहीं भी अधिक संख्या में या बिना अनुमति के लाउडस्पीकर्स लगे हुए हैं उनको हटवाया जा रहा है। साथ ही साथ जहाँ पे ध्वनि मानक के अनुरूप नहीं है उस वहाँ पे वॉल्यूम कम करवाया जा रहा है तथा व्यवस्था ऐसी की जा रही है जिससे कि आम जनमानस को इससे कोई भी किसी प्रकार की असुविधा ना हो। हमारे जनपद में हम लोगों ने आगामी त्योहारों के दृष्टिगत सभी आयोजकों के साथ बैठक की है, थाना वायर बैठक हुई है, मेरे द्वारा भी सभी पीस कमेटी के लोगों के साथ बैठक हुई है और पुरानी परंपराओं को बरकरार रखा जाएगा। नई परंपरा नया स्थापन नहीं होगा, कहीं पे भी अवैध रूप से लाउड स्पीकर का स्थापना हम अलाउ नहीं करेंगे और किसी तरह के अनावश्यक हस्तक्षेप कानून व्यवस्था को प्रभावित करने वाली गतिविधियां को अलाउ नहीं करेंगे। साथ ही सभी आयोजकों के साथ अच्छा सामंजस्य है और शासन के निर्देशों के अलीगढ़ के नगर पंचायत कौड़ियागंज में बोर्ड मीटिंग की गई। इस दौरान नगर पंचायत के कई अधिकारी भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि अलीगढ़ के नगर पंचायत कौड़ियागंज में इस बोर्ड मीटिंग को सभा सदों के साथ किया गया है। सभासदों ने ईओ और चेयरमैन पर कस्बे में विकास न करने का आरोप लगाया है। मीटिंग हॉल से बाहर निकलकर प्रदर्शन करते हुए कहा कि कस्बे की गली मोहल्ले में गंदगी का अंबार है, जहां कई गलियों में जल भराव की समस्या से लोग जूझ रहे हैं, तो वहीं सभासदों की ओर से लगातार शिकायतें करने के बावजूद भी कस्बे में विकास कार्य नहीं कराए जा रहे हैं। इसी को लेकर सभासदों ने प्रदर्शन करते हुए अपने पद से इस्तीफा देने की बात कही है। जल भराव, इसमें मच्छर, इसमें वो तमाम जो महामारी आ गई, तमाम बीमारियों का वो बन रहा है ये घर। और सन 2020 से सन 2020 अक्टूबर का ये मेरे पास ये रहा वो एस्टिमेट है इसका ये। और आज तक इसमें कोई काम कार्रवाई ना हरी, जब न कोई टेंडर लगा रही है, एस्टिमेट बनवा दिया उन्होंने, जय साबल का एस्टिमेट है ये रहा। बैठक के दौरान सभी माननीय अध्यक्ष महोदय और माननीय सभी संबंधित सभासद उपस्थित हुए। उपस्थित होने के बाद बैठक की कार्रवाई अध्यक्ष महोदय की अनुमति से प्रारंभ की गई। सभी सभासदों ने सहर्ष बैठक की कार्रवाई प्रारंभ करने के लिए अनुमति अपनी मौखिक अनुमति प्रदान की। उसके बाद उन्होंने उपस्थिति पंजिका पर दस्तखत किए, जो विधिवत कार्रवाई होती है। दस्तखत करने के बाद प्रस्ताव रजिस्टर रखा गया। उनकी जो मुख्य शिकायत थी वो विकास कार्य न होने की थी कि हमारे वार्डों में विकास कार्य नहीं कराए गए।
अलीगढ़ में रमजान के महीने में पानी की किल्लत से परेशान क्षेत्रीय महिलाओं ने रोड पर जाम लगा दिया। प्रदर्शनकारी महिलाओं का कहना है कि कई बार क्षेत्रीय पार्षद और नगर निगम को अवगत करा चुके हैं, लेकिन अभी तक पानी की समस्या का समाधान नहीं हुआ है। प्रदर्शन की सूचना पर पहुंची पुलिस प्रदर्शन को शांत कराने में जुटी हुई है। महिलाओं की मांग है कि अगर जल्द ही क्षेत्र में पानी की समस्या खत्म नहीं हुई तो वो बड़ा आंदोलन करेंगी। वो पानी नहीं दे पा रहे, वहाँ पर दो महीने से इतने परेशान है कि रात और दिन हम पानी के चक्कर में हम भागे फिरते हैं, एक एक डिब्बा लेके एक एक बाल्टी लेके हम जगह जगह भागते फिर रोजों में। तो हार हमारा वैसा ही है, अब तो हार अगर क्या नाम है, तो हार को देख गए या घर को देख गए या काम को देख गए या पानी को देख गए, पूरे पूरे रमजान रखे हम बच्चे महंगे बता दो पानी, और उधर की तरफ पूरे ट्यूबवेल है, उन्होंने पानी खूब चला रखा है उन्होंने अपने गली में, और हमारी गली में एक एक बूंद पानी से इतने परेशान है हम लोग, समझ लो बहुत परेशान है हम बहुत परेशान हो गए, इसलिए हमने धरना दे रखा है यहाँ पर, इसलिए पब्लिक हमें पानी चाहिए बस। करीब करीब जिस दिन से रमजान लगे परेशानी तो पानी की यहाँ से हमेशा रही है गर्मियों में महबूब नगर में, क्योंकि एक नया वार्ड बना था, ये तमाम औरतें परेशान है रमजानों में। ये मान लीजिए दो तीन गलियाँ ऐसी हैं जिसमें पानी मिल रहा है, सिर्फ कोई अधिकारी आने को तैयार नहीं है वार्ड में, क्योंकि मुझे मैं खूब जानता हूँ कि बीजेपी की सरकार है और ये मुस्लिम महिला है, सिर्फ हम लोगों को पीड़ित कर रहे हैं, और ये ऊपर से कहीं ना कहीं इनका दबाव है, जल निगम का अधिकारी हो या निगम का अधिकारी हो, एक अधिकारी वार्ड नंबर 32 को बता नहीं सकता कि वार्ड नंबर 32 वाला जगह है, ऑफिस में बैठ के भी नहीं बता सकता महबूब नगर है किस इलाके में, तो ये क्या काम करेंगे। और एक भी ऐसा कोई यूपी में भले ही नकल विहीन परीक्षा कराने का दावा किया जा रहा है, लेकिन बोर्ड परीक्षा की पोल जिले में एक वायरल वीडियो ने खोल दी है। बोर्ड परीक्षा खत्म होने के बाद परीक्षार्थी बोर्ड का प्रैक्टिकल एग्जाम दे रहे हैं, जहां पर जनपद सलोन कोतवाली क्षेत्र के लहुरे पुर पटेल शिक्षा सदन इंटर कॉलेज में स्कूल के ही कुछ छात्राओं को खुलेआम स्कूल के जिम्मेदारों द्वारा नकल करवाए जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जबकि वीडियो वायरल होने के बाद एडीएम का कहना है कि वीडियो संज्ञान में आया है और जांच के बाद ही कार्रवाई की जाएगी। अभी वीडियो का संज्ञान मिला है हम लोगों को, और डीआईएस रायबरेली को भी इस वीडियो के बारे में अवगत कराया गया है, उनके द्वारा जांच करा करके इसके विरुद्ध खबर मथुरा से है, जहां जीआरपी और आरपीएफ पुलिस ने मथुरा रेलवे स्टेशन पर चेकिंग अभियान चलाया, जिसमें प्लेटफॉर्म नंबर 8-9 से दो शातिर चोरों को यात्रियों का सामान चुराते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। जब इन शातिर चोरों की तलाशी ली गई तो इनके कब्जे से चोरी के 4 मोबाइल फोन, चांदी का चेन और 3,500 की नकदी बरामद हुई है। जीआरपी और आरपीएफ के संयुक्त चेकिंग अभियान में रात्रि में हमारी टीम ने 8 और 9 प्लेटफॉर्म पर बोर्ड के पास से दो लड़कों को पकड़ा है, दो चोर हैं, इनके पास से कई चोरी के सामान बरामद हुए, जैसे बैग है, चांदी की चेन, मोबाइल है, कुछ नकदी है बरामद है, जो कि मुकदमों से संबंधित है, जिन्हें गिरफ्तार कर उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।